कंपनी की तरफ से आज की किसान गोष्ठी में आयोजित सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने अपना जरूरी जो काम छोड़ के आज की हमारी इस किसान गोष्ठी में दिया है, उसका एक बार पुनः मैं आप लोगों का, किसान भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि इस समय पे हमारे यहाँ गन्ने की फसल शुरू होने वाली है। कुछ किसान भाई गन्ना की बुआई एक आध खेत की कर चुके हैं, बाकी सरसों के खेत में, गेहूं के खेत में आगे आने वाले समय में बुआई होगी। तो जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि गन्ने की फसल में कीड़ा एक अहम समस्या है, और यदि हमें कीड़े का निदान सही से मिल जाए तो हमारी काफ़ी पैदावार बढ़ सकती है। तो अब जब मैम यदि हम गन्ने के कीड़े की बात करें तो उसमें जो समस्याएं आती हैं वो चार तरह के कीड़े हमारे गन्ने के खेत में लगते हैं, जैसे दीमक की समस्या, कंसुए की समस्या, सफ़ेद किनार की समस्या और टॉप बोरर की समस्या। तो इसमें जो तीन अहम समस्याएं हैं, जैसे सफ़ेद किनार की समस्या और आपकी दीमक की समस्या और आपका जो है कंसुए की समस्या, उसके लिए ये HPM केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी ने ये देवसेना नाम का एक प्रोडक्ट निकाला। ये जो आप देख रहे हैं देवसेना, ये है दीमक के लिए, कंसुए के लिए और सफेद गिनार के लिए। इस देवसेना को जिस टाइम आप अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं उसी टाइम में DAP में मिला के इसको देवसेना को लगाना है। अब बात आती है कि कितनी मात्रा में देवसेना को लगाएं। 125 ग्राम से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम ये गन्ने की फसल में देवसेना को लगाएंगे तो इससे आपको दीमक से, कंसुए से और सफ़ेद गिनार से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसको लगाएं कैसे। जैसे सभी किसान भाई DAP या NPK बुआई के समय इस्तेमाल कर